नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार। आज हम बात करेंगे माइक्रोफोन के बारे में, माइक्रोफोन के टाइप्स और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे आपको। माइक्रोफोन डायनेमिक माइक्रोफोन जो कि मूविंग को माइक्रोफोन भी कहा जाता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे कि एक तार पर चुंबक के संबंध में चलता है और तार पर एक वोल्टेज बना जाता है, जैसे डायनेमिक माइक्रोफोन या डायफार्मा की तार की कुंडली से जुड़ा होता है। तार का तार एक चुंबक को घेर लेता है दिशात्मक, और डायनेमिक माइक्रोफोन को सर्व दिशात्मक और पेडिडोर ध्रुवीय पैटर्न में सक्षम है। मूविंग कॉल और माइक्रोफोन टिकाऊपन और मजबूत निर्माण के लिए लाइव साउंड एप्लीकेशन के लिए बेहतरीन माना जाता है। कंडेंसर माइक्रोफोन कैपेसिटर माइक्रोफोन भी कहा जाता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यदि दो धातु प्लेट निकटतम में हो तो जितने करीब होंगे उतनी ही अधिक अच्छी होगी कैपेसिटिविटी। विद्युत आवेश धारण करने के लिए प्रणाली की क्षमता है। एक ऑडियो सिस्टम में सिग्नल को प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए कैपेसिटर के आउटपुट के बाद एक प्रतिबंधित रूपांतरण सर्किट रखा जाना चाहिए। इस सर्किट को 48 वोल्ट डीसी की आवश्यकता होती है, फैंटम पावर के रूप में जाना जाता है। कुछ अनुप्रयोग में जैसे सेलफोन और कंप्यूटर इलेक्ट्रिक कंडेंसर और माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है, जो अस्थायी रूप से चार्ज सामग्री का उपयोग करते हैं और फैंटम पावर की आवश्यकता नहीं होती है। रिबन माइक्रोफोन वो कैसे काम करते हैं। रिबन माइक्रोफोन का बेग माइक्रोफोन भी कहा जाता है और तकनीकी रूप से गतिशील माइक्रोफोन का एक रूपांतरण है। निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत प्रवाहीय और रिबन चुंबक क्षेत्र में भीतर चलता है। रिबन पर एक वोल्टेज बना जाता है। एक रिबन डायफार्मा का काम द्रव्यमान और उत्कृष्ट आवृत्ति प्रतिक्रिया के लिए बनाता है। हालांकि डायफार्मा का कम द्रव्यमान माइक्रोफोन की ध्वनि को लाभ पहुंचाता है, लेकिन रिबन माइक्रोफोन अस्थायित्व को नुकसान होता है। हालांकि उच्च SPL को संभालने की क्षमता को बनाए रखते हुए रिबन माइक्रोफोन का द्रव्यमान कम होता है। रिबन माइक्रोफोन स्वाभाविक रूप से बायोडायरेक्शनल दिशात्मक रिबन के आगे और पीछे से ध्वनि समान रूप से उठाई जाती है। इस प्रकार के किनारे से रिबन के समांतरण ध्वनि रिबन के दोनों किनारों पर समान रूप से दबाव डालेगी और इस परिणाम स्वरूप रिबन की कोई गति नहीं होगी। रिबन माइक्रोफोन अक्सर निष्क्रिय सर्किट का उपयोग करते हैं और इस प्रकार कंडेंसर माइक्रोफोन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक शोर के प्रति कम संवेदनशील होता है। कार्बन माइक्रोफोन डेविड ह्यूज ने 1870 के दशक में माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। कार्बन माइक्रोफोन निम्नलिखित अवधारणा पर कार्य करते हैं, जबकि कार्बन माइक्रोफोन को संकुचित किया जाता है जो उनका प्रतिरोध कम हो जाता है। आधुनिक दुनिया में कार्बन माइक्रोफोन का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन 70 के दशक के अंत में प्रौद्योगिकी की शुरुआतों के दिनों में टेलीफोन और प्रसारण में उपयोग किया जाता था। कार्बन माइक्रोफोन के माध्यम से प्रवाहित होने के लिए विद्युत प्रवाह बनाने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि कार्बन के साथ परस्पर प्रक्रिया करती है। कणिकाओं को संकुचित किया जाता है, यह कार्बन प्रतिरोधक को बदला जाता है, बदले में हवा की गति के साथ धारा को बढ़ाता है। और कार्बन माइक्रोफोन महत्वपूर्ण और शोर आवृत्तियों की प्रतिक्रिया ग्रस्त है। क्रिस्टल माइक्रोफोन पीजे इलेक्ट्रिकल माइक्रोफोन भी कहा जाता है, जो निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कुछ क्रिस्टल यांत्रिक बल के तहत पीजे इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं, जैसे कि ध्वनि डायफार्मा या क्रिस्टल पर सीधे दबाव डालती है, क्रिस्टल फ्लेक्स हो जाता है। फ्लेक्सियन और क्रिस्टल के विद्युत आवेश बनाता है जो हवा में कंपन प्रतिनिधित्व करता है। क्रिस्टल माइक्रोफोन भी कहा जाता है, व्यापक रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं, ये व्यापक आवृत्ति प्रतिक्रिया की पेशकश नहीं करते हैं। इस वजह से कैडिडोर माइक्रोफोन बहुत अधिक भीड़ शोर को कैप्चर किए बिना लाइव प्रदर्शन रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श है। लेजर माइक्रोफोन प्लेन से कंपन को कैप्चर कर काम करता है, उदाहरण के लिए वीडियो फोन की तरह, और सिग्नल को एक फोटो